हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे MACAW दैट इज मैका डब्ल्यू प्रोटोकॉल के बारे में। अब देखो, मैका प्रोटोकॉल्स में कुछ प्रॉब्लम्स थी। मैका प्रोटोकॉल आपका हिडन एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम्स को कुछ हद तक सॉल्व कर रहा था, बट उसमें एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी BEB एल्गोरिदम के ऊपर। अभी BEB एल्गोरिदम है क्या बेसिकली? BEB का मतलब होता है, नाउ BEB इज नथिंग बट इट इज बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिदम। सो इट इज बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिदम, ठीक है। सो देखो, इसका अब यूज क्या है। इसका यूज इस तरह से था, लेट अस सपोज मेरे पास दो नोड्स हैं S1 एंड S2, और यहाँ पे कुछ रिसीवर्स हैं, लेट अस से R2 एंड R1। अब S1 डाटा ट्रांसमिट कर रहा है R1 को, तो सेंस तो यहाँ पे भी हो रहा है, और S2 ट्रांसमिट करना चाहता है R2 को, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है कि ट्रांसमिशन इज गोइंग ऑन हेयर। सो एक्टिव ट्रांसमिशन कहाँ पे? S1 से R1 की तरफ। तो चैनल जो है जहां पे ट्रांसमिट कर सकता है वो किसके पास है? S1 के पास। तो R2 इस टाइम पे ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो ये क्या करता है? अपॉन सेंसिंग द चैनल इज बिजी इट डबल्स द बैक ऑफ काउंटर ठीक है। सो एक फील्ड होती है बैक ऑफ काउंटर जिसको ये डबल कर लेता है। अब बैक ऑफ काउंटर बेसिकली है क्या? इतना टाइम ये वेट करेगा, उसके बाद दोबारा से सेंड करेगा। सो S2 विल वेट बिफोर रीट्रांसमिटिंग अगेन, ठीक है। समझ में आया मतलब क्या बैक ऑफ काउंटर का? अब देखो इसमें प्रॉब्लम मैं आपको समझाता हूं एक एग्जांपल से। लेट अस सपोज उसने शुरू में बैक ऑफ काउंटर रखा 1। हम एग्जांपल ले लेते हैं 1 सेकंड का। दोबारा से देखा चैनल बिजी है, तो इंक्रीज होकर कितना हो गया? 2 सेकंड। देखा फिर इंक्रीज कर दिया 4 सेकंड, 8 सेकंड, 16, एंड इट कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। सो देयर मे बी अ सिचुएशन कि जो सेंडर है S2 विल गेट ब्लॉक्ड आउट कंप्लीटली। मतलब इतना ज़्यादा टाइम हो जाएगा कि वो दोबारा से सेंड करने का उसको टाइम ही नहीं मिलेगा। तो ये एक प्रॉब्लम थी मैका के अंदर। सो मैका डब्ल्यू ने क्या किया? मैका डब्ल्यू ने इसको सॉल्व किया बाय चेंजिंग समथिंग इन द BEB एल्गोरिदम, ठीक है। सो इसके अंदर उसने कुछ चेंज किया। अब चेंज क्या था कि जो ये काउंटर इंक्रीज हो रहा है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज नहीं होगा। सो बैकअप काउंटर विल बी वैरिड अपॉन सक्सेसफुल ट्रांसमिशन। और जब भी कोलिजन होगा, जैसे यहाँ पे कोलिजन था ना, तो जरूरी नहीं है कि वो डबल से ही इंक्रीज हो। सो ये एक चेंज किया गया था यहाँ पे। सो अब इसके अंदर आप लिख सकते हो, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कि क्या करेगा ये। बेसिकली क्या होता है कि जो पैकेट हेडर होता है, अब उसके अंदर एक करंट बैकअप काउंटर की वैल्यू भी होती है ट्रांसमिटिंग नोड की, ठीक है। सो करंट बैकअप काउंटर की वैल्यू होती है, लेट अस से S1 की करंट बैकअप वैल्यू थी 2। S2 ने यहाँ पे भेजा, कोलाइड हुआ, इसके अंदर भी थी कुछ वैल्यू, लेट अस से थी 6। तो क्या होगा, ये जो 2 वैल्यू है वो इसके अंदर कॉपी हो जाएगी। तो ये एक चेंज था मैका डब्ल्यू के अंदर, ठीक है। सो आप इसमें लिख सकते हो यहाँ पे, द पैकेट कंटेन्स द पैकेट कंटेन्स करंट बैक ऑफ काउंटर वैल्यू पैकेट कंटेन्स द करंट बैक ऑफ काउंटर वैल्यू ऑफ द ट्रांसमिटिंग नोड एंड अ नोड रिसीविंग द पैकेट copies its value into its own back of counter,
एंड नोट रिसीविंग कॉपीज दिस काउंटर वैल्यू इन टू इट्स ओन बैक ऑफ काउंटर। ठीक है, सो इससे एक तो प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो गई कि जो बैक ऑफ काउंटर जो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा था वो अब रुक गया। सो दिस इज वन ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन मैका एंड मैका डब्ल्यू। सो अनदर मॉडिफिकेशन जो हुई थी मैका डब्ल्यू में वो थी कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ पर फ्लो फेयरनेस। जबकि देखो मैका के अंदर क्या था, वो पर नोड के ऊपर काम करता था। सो मैका वर्क्स ऑन पर नोड बेसिस, वेयर एज मैका डब्ल्यू वर्क्स ऑन पर फ्लो फेयरनेस बेसिस। सो ये एक डिफरेंस था जो आपको पता होना चाहिए। नाउ अनदर डिफरेंस एंड दैट इज अ मेजर डिफरेंस एंड दैट इज द यूज ऑफ टू मोर पैकेट्स अदर देन RTS एंड CTS। और वो दो पैकेट्स थे, एक तो था डाटा सेंडिंग पैकेट दैट इज DS पैकेट एंड अनदर इज ACK दैट इज एक्नॉलेजमेंट पैकेट। तो उनका फ्लो किस तरह से मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। लेट अस से मेरे पास एक सेंडर है और एक रिसीवर है, सो सेंडर एंड रिसीवर आर द टू नोड्स। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, सेंडर को पैकेट भेजना है रिसीवर को, तो सेंडर क्या भेजेगा, RTS दैट इज रिक्वेस्ट टू सेंड। अभी दोनों डायरेक्शन में जाएगी क्योंकि हमारा यहाँ पे ब्रॉडकास्ट होता है। रिसीवर को पैकेट रिसीव करना अगर होगा तो क्या भेजेगा, CTS। अगेन ये यहाँ पे भी जाएगी और जिस नोड को नहीं चाहिए वो उसको डेफर कर देगा अपना ट्रांसमिशन। ठीक है, सो CTS देन अपॉन रिसीविंग द CTS सेंडर विल सेंड इट्स डेटा सेंडिंग पैकेट विच इज DS और वो भी यहाँ पे भेजेगा। अब जैसे ही इस नोड को जो यहाँ पे जो भी नोड होगी इसको मिला कि DS ट्रांसमिट हो रहा है एक सेंडर से, तो वो अपने सारे ट्रांसमिशन को डेफर कर देगा, रोक देगा। ठीक है, नाउ आफ्टर डाटा सेंडिंग पैकेट द एक्चुअल डेटा इज सेंड टू द रिसीवर, अगेन बोथ द डायरेक्शंस। और यहाँ से क्या आएगा, फाइनली अपॉन रिसीविंग द डेटा एक्नॉलेजमेंट इज सेंड। ठीक है, सो नाउ वंस द एक्नॉलेजमेंट इज रिसीव्ड बाय अनदर सेंडर और अनदर नोड, दे विल नो दैट द डाटा ट्रांसमिशन इज कंप्लीटेड, नाउ दे कैन स्टार्ट देयर ओन डेटा ट्रांसमिशन। सो ये एक डिफरेंस था, एक तो था DS का दैट इज डेटा सेंडिंग पैकेट और एक था ACK जो होता है एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन मैका एंड मैका डब्ल्यू। सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।